मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 25 सालों से भाजपा के पाप मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। आखिरकार इस बार जीतू पटवारी ने बीजेपी पर यह हमला क्यों किया है, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मंगलवार को गुना जिले के अल्पकालीन दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में नशा माफिया के सक्रिय होने, बेटियों महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ने और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए यह बात कही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता को भी देखना चाहिए कि जिन लोगों को वह 25 सालों से वोट देती आ रही है, उन्होंने युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने, बेरोजगार बनाने और प्रदेश को दुष्कर्म प्रदेश बनाने का काम किया। पटवारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी आईना दिखाते हुए कहा कि उनकी पार्टी के पापों की सजा आम जनता को मिल रही है। बता दें, गुना से श्योपुर जाने के दौरान जीतू पटवारी का गुना में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और भाजपा सहित मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उनके साथ राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी नजर आए। पटवारी ने गुना जिले के कांग्रेस नेताओं ने संगठनात्मक गतिविधियों के अलावा बेटी बचाओ अभियान के बारे में भी जानकारी ली। गौरतलब है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही जीतू पटवारी लगातार प्रदेश का दौरा करते हुए बीजेपी को अलग अलग मुद्दों पर घेरते रहे हैं और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान जब वो गुना पहुंचे थे तो यहां उन्होंने बीजेपी और मोहन सरकार पर जमकर निशाना साधा। ड्रग माफिया सक्रिय हैं, आपने कई बार कहा भी है। जनता पार्टी की 25 साल से सरकार है जी। अगर आकलन किया जाए, सब परिवार के लोग अपने अपने घरों में झाके जिन्होंने उनको वोट दिया जी, क्या आपका बेटा नशा करता है तो 25 साल से दोषी बीजेपी की सरकार है जी। अगर आपके घर में बच्चे को रोजगार नहीं है तो 25 साल से बीजेपी है। अगर मध्य प्रदेश में बेटियों की लाज नहीं बचाई जा रही तो 25 साल से बीजेपी है। और कानून व्यवस्था को लेकर भाषण करते हैं मोहन यादव जी, तो अब उनको पता चलना चाहिए इस बात को कि 25 साल से आप ही की पार्टी के तो पाप है जिनको मध्य प्रदेश की जनता भोग रही है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ काम क्यों नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।